जिसके साथ आप राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में जिसके साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, आई वुड डू अ लॉट ऑफ लैप्रोस्कोपिक एंडोलेक्टमीज, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट, आई थॉट कि मैंने किस मिजरी में अपनी जिंदगी गुजारी है, तो इतना आसान काम है. दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ डेक्सिटी वर्किंग इन अ वेरी यू नो क्लोज स्पेस. सो दिस इज द रियल ग्रेट एडवांटेज. एक्चुअली जो रोबोटिक सर्जरी है, दिस इज अ नेचुरल सीक्वल ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. बिकॉज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आपको बहुत सारे एडवांटेज देते हैं ना, कि एक्सेस मिनिमल है, आपकी अर्ली रिकवरी है, थोड़ी पेन होती है, बहुत रैपिड आपके घर जाने का है, ब्लीडिंग थोड़ी होती है. लेकिन जो एक्चुअल एडवांटेज मिनिमल एक्सेस सर्जरी का है, कि जो मेटाबॉलिक इंसर्ट विच इज क्रिएटेड ऑन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज लेसर. एंड नंबर टू, देयर इज अ लेस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. तो ये जो आपकी रोबोटिक सर्जरीज है, ये आप उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को फर्दर सब्यूट करती है, उस मेटाबॉलिक इंसल्ट को फर्दर कम करती है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी नेचुरल सीक्वल ऑफ द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. उसका ये उसके बाद ये देखा गया है कि व्हेन यू कंपेयर इट विद द ओपन सर्जरी, द रोबोटिक सर्जरी, इट हैज गॉट अ डेफिनेट एडवांटेज दैट देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, लेसर अमाउंट ऑफ कन्वर्जन रेट्स, लेसर अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल स्टे, लेसर अमाउंट ऑफ पेन एंड लेस एंड अर्लियर रिकवरी. बट दिस इज विजिबल. अगर हम इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ कंपेयर करें तो यस, विजिबिलिटी इज बेटर, बेटर द स्टेथोस्कोपिक व्यू इज बेटर, द ऑपरेटिव ब्लड लॉस इज लेस, द पेन इज लेस, बट द लेंथ ऑफ स्टे एंड द अर्ली डिस्चार्ज इज द सेम. और प्रॉब्लम यह है कि द इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली, नंबर वन. और दूसरा बहुत बड़ा जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है कि शुरू में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हमारे ऑपरेटिव टाइम्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट इट हैज अ डेफिनेट एडवांटेज इन यू बीज एंड दी एल्डरली, क्योंकि उनके अंदर जो है ऑपरेटिव ब्लड लॉस एंड रेट ऑफ कन्वर्जन डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेड कि ये बहुत कम होता है. एंड देयर इज अ वेरी अर्ली रिकवरी ऑफ द ब्लड एक्टिविटी, जिसकी वजह से आप इमीडिएटली पेशेंट्स को 2 घंटे के बाद आप कोलन फ्री कर देते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट डज द लिटरेचर से अबाउट इट. रोबोटिक सर्जरी को शुरू 30 साल से ज़्यादा नहीं गुजरे और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पब्लिकेशन नहीं हुई, लेकिन जब हमने लिटरेचर को सर्च किया तो उसने बताया कि 108 स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन 14,448 पेशेंट्स. और जब इसको कंपेयर किया गया कि जब आपने रोबोटिक वर्सेस ओपन सर्जरी को, कहा जाता है कि पीपल हु परफॉर्म ओपन सर्जरी इज वेरी ईजी फॉर देम टू जस्ट गो ऑन टू परफॉर्म रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की स्किल्स है वो थोड़ी सी एंटेगनाइज करती हैं आपकी रोबोटिक सर्जरी की स्किल्स को. सो दैट इज द रीजन कि मेरे कोलीग्स इस चीज़ को गवाह है कि मैंने बहुत हद तक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी छोड़ दी, बिकॉज मुझे खुद भी अंदाजा होना शुरू हो गया था कि मेरी जो रोबोटिक स्किल्स को ना ये हॉल्टर करती हैं, रोकती हैं उसको, क्योंकि कुछ मूवमेंट्स हैं जो टोटली अपोजिट है. सो आई डू मोस्ट इन आवर रोबोटिक सर्जरी सिटिंग ऑन अ कंसोल इजीली, चूँकि मैं 60 साल से ऊपर हो गया, मेरी नज़रें भी कमज़ोर हो गई हैं, प्लस दूसरे डेप्थ परसेप्शन की बहुत बेहतर है. प्लस द ग्रेटेस्ट एडवांटेज दैट इट टेक्स ऑफ द ट्रेमर्स ऑफ योर हैंड. हम जितने भी काबिल सर्जन, हम जितने भी तगड़े हैं, लेकिन 60 साल की उम्र पर कुछ ना कुछ ट्रेमर्स आने शुरू होते हैं. दिस टेक्स अवे द ट्रेमर्स इन योर हैंड्स, इट्स अ ग्रेट एडवांटेज. तो प्रिसीजन इतनी ज़बरदस्त आती है. सो दूसरा ये कि ये लिटरेचर ने जो हमें जब हमको कंपेयर किया ओपन सर्जरी को और रोबोटिक सर्जरी को और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को और रोबोटिक सर्जरी को, तो ओपन सर्जरी के ऊपर तो डेफिनेट एडवांटेज, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट लिटरेचर, वी हैव टू टॉक अबाउट साइंस. लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ऊपर तो बहुत डेफिनेट एडवांटेज अभी तक प्रूव नहीं हो सका, एक्सेप्ट दैट द रेट ऑफ कन्वर्जन इज लेस, द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज लेस, स्पेशली इन द ओबेस एंड द एल्डरली. सो इफ यू हैव टू पिक एंड चूज, सो पिक एंड चूज द ओबेस एंड द एल्डरली फॉर रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज उसके अंदर आपके आउटकम्स, आपके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे. इसको स्कूल करता हूँ, बट वट इज द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक सर्जरी, उसमें ये हमें जरूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी को इसको और बेहतर करना पड़ेगा, ज़्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करनी पड़ेंगे ताकि हम एविडेंस जनरेट कर सकें दिस इज बेटर देन ऑल द फॉर्म्स ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी. हमें इसके कॉस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा. वी हैव टू क्रिएट मोर अवेयरनेस एंड देन वी हैव टू क्रिएट स्पेशल ट्रेनिंग स्लॉट्स फॉर पीपल. और उसमें दिस इज नॉट ओनली द एनेस्थीसिया व्हिच मैटर्स, द सर्जरी मैटर्स, इट इज द एनेस्थेटिस्ट व्हिच रिक्वायर्स. सो वी हैव गॉट टू डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट मेरे ने किए हुए जो कि सिर्फ रोबोटिक सर्जरी कराते हैं, बिकॉज एनेस्थीसिया टेक्निक्स आर टोटली डिफरेंट. We just can't afford actually that these patients can cough during surgery or they can move during surgery, because that can create a lot of damage. So we have got a dedicated team for that. So we have talked about these technical advantages, and let's see, how did we develop this robotic surgery in Lahore? One of the pioneers, the chief executive, Professor Shahida Khalid, sitting here.
और ये सारा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप देख रहे हैं, प्रोफेसर जो जफरुल चौधरी जो सीनियर मोस्ट सर्जन लिविंग सर्जन ऑफ द कंट्री, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मुझे पढ़ाया लिखाया सिखाया, मुझे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाई और मुझे इजाज़त दी कि मैं यहाँ पे ये सेंटर को इसको इस्टेब्लिश कर सकूँ। और आप हमारे बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी प्रोफेसर आफ्ताब रनौन ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रोफेसर सबर रनौन कार्डियोलॉजिस्ट, and Bhatti Saab, who is a known social worker and a philanthropist, who is part of the board of directors. Humne idea kahan se liya? Year 2021 mein, I and Professor Waris, they went to Sage's workshop, aur hum USA mein baithe hue the, there were 98 presentations, usme se 97 jo thi wo Amerikanon ki aur Goron ki aur foreigners ki thi, sirf ek presentation thi jo ke robotic surgery, wo sab ki sab robotic surgery thi. सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, जो कि लैप्रोस्कोपिक रिलेटेड थी, वो मेरी और प्रोफेसर वाइस की थी। वो भी मेरे ख्याल में मार्के दस खा के रखी गया कि ये गरीब मुल्क से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, चलो इनकी प्रेजेंटेशन कराई देते हैं, कोई बात नहीं। सो देयर आई रियलाइज दैट दी वेस्ट इज गॉन फार अहेड ऑफ अस, सो आई लेफ्ट बिहाइंड प्रोफेसर वाइस। मैंने कहा यहाँ से वापसी पर वार्ड की सारी निगोशिएशन करके करके आना है। सो वी हैड अ निगोशिएशन विद इन फ्यू मंथ्स, वी ट्राइड टू एक्चुअली डू दैट, और बट द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू सेलेक्ट अ टीम। तो मैडम ने हमारी बड़ी मदद की, मैडम ने हमें ग्रुप बना दिया जिसमें हम गायनेकोलॉजिस्ट को, यूरोलॉजिस्ट को, सर्जन को हमने शामिल किया। एंड यू कैन सी दैट ग्रुप हेडेड बाय यूरोलॉजिस्ट बाय रफीक ज़की, ताहिर एंड आसिफ, एंड गायनेकोलॉजी बाय प्रोफेसर समिया ममूना एंड रहाना मलिक, एंड माई होल टीम सर्जरी, आप प्रोफेसर वारिस और प्रोफेसर वसीम को साथ साथ देख रहे हैं, एंड द होल सर्जिकल ग्रुप। सो ये टीम वॉज असेंबल्ड, बट द टीम हैड टू बी ट्रेन। मेरी बॉस्टन से ट्रेनिंग हुई थी 2015 में रोबोटिक सर्जरी में, but the team had to be trained on a new robot. So everybody went, the surgical team, the medical team, the nursing team, the paramedics, aur ye hamare anesthetists, everybody went to Sharjah. Aur humne wahan pe jaake to usko jo hai na, humne jaake to usko sara sikha. We were trained there for 7 days, we certified the got certification, 150 hours ki meri training hui. Humne wahan pe console training ki, humne models pe training ki, ultimately we had a training on the cadavers. और कैडावर्स के ऊपर हमारी उन्होंने जबरदस्त ट्रेनिंग की, हमें उन्होंने 75 वॉज प्योर कैडावर ट्रेनिंग हमारे से करवाई, एंड देन वी वर आस्क्ड सर्टिफाइड एंड आस्क्ड टू कम बैक। अब यहाँ पे चैलेंज था कि हम अपने आपको तैयार कैसे करें, हाउ टू ब्रिंग इन दिस रॉबर्ट। दिस इज वेरी यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि ये अकेला इज नॉट द जॉब। वी इनिशियली हमने 50 लोगों को इकट्ठा किया, हमने कहा कि प्लीज कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट, सो वी रियलाइज दैट इट इज नॉट द जॉब ऑफ द वीक हार्टेड बिकॉज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फाइनेंसिस। तो हमने अपने हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की, हॉस्पिटल ने जो आप ऊपर तस्वीर देखते हैं बिल्कुल नया मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था। हमने कहा हमें रोबोटिक सर्जरी के थिएटर चाहिए, तो 4.5 करोड़ का जो नया मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था, तो मैडम के कहने उसको तोड़ा गया, उसको नहीं है उसका इस मॉडर्न थिएटर के अंदर हमने ये हाल किया। उसके बाद मैडम ने रात को आके हमारे यहाँ पे हेल्पआउट किया, हम रातों में दिस इज अ रोबोटिक सर्जरी थिएटर एट द मोमेंट इन नेशनल हॉस्पिटल, सो आई थिंक शी डिजर्व अ बिग थैंक्स। लेकिन उन्होंने तोड़ दिया, सो दे सैक्रिफाइज अ लॉट ऑफ मनी एंड दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। और उसके बाद देन वी हैड आवर यू नो हमने सब एस्टैब्लिश कर लिया, देन वी हैड आवर मॉक रन। हमें मॉक रन इसलिए करना जरूरी था बिकॉज 2 दिन हम ये मॉक रन करते रहे, और हमने जो मॉक रन हमने ये करते रहे 2 दिन करते रहे, और हमने 28 मई का दिन तय किया कि हमने 28 मई को अपनी पहली सर्जरी करनी है, क्योंकि 28 मई को पाकिस्तान में एटम बम का धमाका भी पड़ गया, तो हमने कहा हमने भी धमाका कल छोड़ना चाहिए जो कुछ मर्जी हो। तो पर्पस मुझे 28 मई का, तो हमने अपना प्रैक्टिस रन कर लिया। यू कैन सी दैट हाउ मच एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, एंड देन आई वाज गिवन द प्रिविलेज टू परफॉर्म द फर्स्ट सर्जरी ऑन द 28th of May। दिस वाज वंस अगेन अ पेशेंट वाज अ फ्रेंड ऑफ प्रोफेसर शायदा खाजा मंसूर साहब का, वो जो प्रिंट वाले डायरेक्ट प्रिंट वाले, उनको भी ऑपरेट किया, आई डिड अ रोबोटिक पेंडेक्टमी, एंड यू कैन सी दैट द होल द टीम वाज देयर, एवरीबॉडी वाज सिटिंग बाय माय साइड, एवरीबॉडी वाज एनकरेजिंग मी कि उनके सब की दुआ करते हैं, एंड द होल रेजिडेंट्स दे ऑल इन द थिएटर। नॉर्मली इतने लोग थिएटर के अंदर नहीं होते, बट दे वर मेकिंग वीडियोस, दे वर डूइंग व्हाटएवर दे कुड डू, दे कुड प्रे फॉर मी, मेरी हेल्प करना हर लिहाज से मेरे साथ साथ सब लोग, यू कैन सी एवरीबॉडी इन द थिएटर। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस टू एस्टैब्लिश दिस काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद जब हमने कर लिया और ये सारा खत्म कर लिया, देन वी नेवर लुक बैक। अब हम कंटिन्यूअसली अपनी सर्जरीज करते चले जा रहे हैं, और हम सिर्फ सर्जरीज नहीं कर रहे, वी वॉन्ट टू एक्चुअली ट्रेन पीपल। ये तो तालियां आप सुन रहे हैं, ये सब मैं अपना जो है ना वो ऑपरेशन खत्म किया था,
Now we actually, यहाँ का मैं अंदाज़ा हुआ कि जहाज जब चलाते हैं तो पायलट के साथ को पायलट होना क्यों जरूरी है. We never perform a surgery without a co-surgeon. हम हमेशा दूसरा सर्जन साथ बिठाते हैं जो कि इक्वली क्वालिफाइड होता है और जो जिस तरह जो थर्ड असिस्टेंट हमारा होता है वो बैठ के देख रहा होता है ईच एंड एवरी मूवमेंट्स और हम ट्रेन करते हैं, हम कोलैबोरेट करते हैं और अभी तक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग ऑप्शंस फार एंड वाइड है. मैं अभी सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं 300 सर्विस ट्रेन कर सकूँ पिछले 10 महीने में, जो कि नाउ कैन से जिसमें ओवर अभी बैठे हैं वो कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबोट ओवर वो बैठे कैन रेज योर हैंड वो कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबोटिक सर्जरी. सो दिस इज अ वेरी प्रोसेस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉरएवर. और ये ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेनिंग और ट्रांसफर ऑफ स्किल्स ये तो हमें करनी पड़ेगी, इसके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं. अब तक हमारा ग्रुप 184 प्रोसीजर्स कर चुका है इन द लास्ट 10 और 11 मंथ्स एंड यू कैन सी दैट जनरल सर्जरीज वी डोमिनेटली कैपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ सर्जरीज. हम 118 सर्जरीज कर चुके हैं, 52 गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज एंड 14 यूरोलॉजिकल सर्जरीज. लेकिन हम एज अ जनरल सर्जन हम रोबोटिक सर्जरीज में तमाम गायनेकोलॉजी भी करते हैं, वाइस सर्जरी टीम वहाँ पर भी बैठी होती है. हम यूरोलॉजी बिकॉज द फर्स्ट नेफ्रेक्टमी वाज डन बाय मी एंड द होल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वाज सिटिंग विद मी. क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहता था कि इट्स डूएबल एंड वी विल डू इट. फर्स्ट जो हमने हिस्टरेक्टमी की रोबोटिक वाज सिटिंग देयर, हम खुद जाके करते हैं और जब भी हिस्टरेक्टमी होती है द सर्जिकल टीम इज देयर टू हेल्प देम. हम उनको मिस आउट नहीं करते. सो यू कैन सी दैट ग्रेजुअली हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी लर्निंग को बेहतर करते चले जा रहे हैं. हमारे ऑपरेटिव टाइम्स जो है ना इंटरनेशनली कंपेटेबल होते जा रहे हैं और कंपेरेबल होते चल रहे हैं. So this is the list of the surgeries which we do. I'm not going to, but हमने हर चीज़ पे हाथ डाला. ग्रेजुएट मैंने कॉन्स्टेक्टमीज बहुत ज़्यादा की एज अ जनरल सर्जन, लेकिन हमने छोड़ा कुछ नहीं. हमने स्पिनेक्टमीज भी की, हमने अपेंडिसेक्टमीज भी की, हमने डिस्टल पेंटेक्टमीज भी की, हमने एपेंडिसेक्टमीज भी की. वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग एंड इट इज अ ग्रेट ईज टू डू दिस ऑपरेशन स्पेशली एट माई एज. सो ये थोड़ा सा, बट यू कैन सी दैट दिस इज माई डैशबोर्ड. ईच एंड एवरी सर्जन हैज योर ओन डैशबोर्ड. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट एन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट naturally recorded history and a registry of whatever we do. Because ye computer ke andar usne the robot ke andar inbuilt hai, whatever I do it will be recorded, not only the video but each and every data. Wo main data dikhata hu ki computer hamara kya kya kuch record karta hai, usko pata nahi kya karta hai lekin bad kar dete hai. So this will tell us the total number of surgeries. Us surgery mein maine video, this is the total number of surgeries up to last Thursday jo main tak kar chuka 93. uska sara breakup hame de dete hai. और मेरे जो टोटल कॉन्सोल आर्स है वो कैलकुलेट करता है बिकॉज दिस कॉन्सोल आर्स आर इंटरनेशनल. एनी सर्जन जिसको मोर देन 100 कॉन्सोल आर्स इज एक्सेप्टेड एज अ सर्जन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो उसको कहीं पर भी उसको मुलाजमत मिल जाती है. बट अगर आप वेबसाइट पर जाके देखें एवरीबडी इज आस्किंग. और ये कॉन्सोल आर्स जो है ना आप बढ़ा या कम नहीं कर सकते. आई जस्ट कैन नॉट इंटरवीन विद दिस डेटा बिकॉज दिस डेटा इज बिल्ट इन आर्टिफिशियली. सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. This is my 3 months data, the patient's name and everything, whatever has been done. And this is my 6 months data. This will tell you everything. Koi cheez aap isse aapko chupa ke nahi rakh sakte. And not only, it will tell you that what was your actual time when you were using the bipolar pottery. What was the actual time you were using, ye jo aapko dashes nazar aa rahi hai, aapko batate chale jaate hain ki is is time pe aap ye instrument use nahi kar rahe the. Camera mein dekhte hain kitne minute maine istemal kiya. और उसके बाद इंटेलिजेंटली आपकी ना पोर्ट प्लेसमेंट को खुद जज करता रहता है. और हर दफ़ा जब एक नया पेशेंट आता है जब हम उसका डेटा उसके अंदर डालते हैं तो ये आपको बताता है कि आपकी जो प्रीवियस आपने जो पोर्ट प्लेसमेंट्स की थी उसके लिहाज से इस मरीज के लिए ये सबसे बेहतर पोर्ट प्लेसमेंट्स होंगे. बिकॉज अगर आपकी पोर्ट प्लेसमेंट्स ठीक नहीं है तो आपकी सर्जरी नहीं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप फिजिकल इंटेलिजेंस को आप मार देते थे. बिकॉज यहाँ पे जब मैं अपनी कैलकुलेशंस करता हूँ एज अ सर्जन कि मेरी पोर्ट प्लेसमेंट्स ये होनी चाहिए तो आई बेटर देन द कंपनी. सो नेवर ऑलवेज रिलाय ऑन द कंप्यूटर. आपकी अपनी जो है इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करता रहता है, आपको मैपिंग करता रहता है. जैसे आपने गूगल मैप्स पे आपने देखा होगा ना कि आपको बताता है कि ये सड़क किधर जा रही है, सड़क किधर जा रही है, किस तरह की जा रही है. तो अगर टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग ये आपको बता देगा कि आप मिस ना करें कि राइट हेपेटिक आर्टरी किधर है जब आप पॉलीसिस्टिक कर रहे हैं, सिस्टिक आर्टरी किधर है, सिस्टिक ब्लड किधर है. तो ये आपको मैपिंग करके साथ साथ बता देगा. सो इवन अ नॉविस कैन पिक अप दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी विच यू आर फेसिंग या नॉर्मल है कि नहीं है. सो दिस इज द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी. और इसमें एक असद खान का नाम का एक पाकिस्तानी सर्जन जो जॉन हॉपकिंस में वो इस टेक्नोलॉजी को गूगल की मदद से डेवलप करें. वेरी सून यू विल फाइंड दैट असद खान विल बी एबल टू डू इट. और ये पोर्ट प्लेसमेंट्स का हो गया. सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. और ये आपकी जो इंस्ट्रूमेंट का जो यूजेज है उसके टाइम को भी साथ साथ बताता रहता है.
बताता रहता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट आप कितनी देर के लिए काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डेलीकेट एंड द मच मोर डेलीकेट देन दी लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपको बताता रहता है कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना, कब उसका यूज़ खत्म कर देना है, और आपको ब्रेक्स बताता रहता है, आपको आपके कंसोल टाइम बताता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपको बताता है कि आप इस सर्जरी कब स्टार्ट हुई थी, आप कंसोल पे कितनी देर बैठे, और आप कंसोल टाइम के अंदर आप कितनी देर एक्चुअली ऑपरेट करते रहे, और आपको जो आपको गाइड करता रहता है कि आपका इतना कंसोल टाइम था, इस ऑपरेशन आपका कंसोल टाइम बढ़ गया, इसमें कम हुआ, आपको गाइड करते रहते हैं। और आपके देखिए कंसोल टाइम आपका मैच करता है अबाउट योर वॉल्यूमेट्रिक हैंड मूवमेंट्स, आपके हैंड मूवमेंट्स को भी वॉच कर रहा था, नोट कर रहा था कि आपकी हैंड मूवमेंट्स कितनी है। तो जितनी कम आपकी हैंड मूवमेंट्स है उतनी क्योंकि आपकी सर्जरी, और जो बेशतर जो बड़ी सर्जरी है या जो लॉन्ग सर्जरी हम ज़्यादा नहीं करते उसमें हमारी हैंड मूवमेंट्स तो ज़्यादा होती है, उसको रिकॉर्ड करता है। और अगर आप इसको ये वो मेरा 6 महीने का डेटा था, ये पूरे मेरे साल का डेटा है, इसमें आपको देखें कि ये जो आपको बताता है कंसोल आपको पिक्चर देता रहता है कि आपकी हैंड मूवमेंट्स कितनी है, आपका राइट हैंड कितना, यहाँ पर आपको दिखा रहा है मेरा राइट हैंड 23.8 सेंटीमीटर मूव करता है ऑन द कंसोल, और लेफ्ट साइड पे मेरा हैंड 27 करता है। दिस वॉज माई इनिशियल 3-6 मंथ्स लेटर। लेकिन आप देखें ये इसी से मैंने जाना कि इस मेरी इम्प्रूवमेंट होती है कि मेरा राइट हैंड की तो मूवमेंट्स वो 23.8% या 7% थोड़ी सी बेहतर हुई है, बट ऑन माई लेफ्ट हैंड आई हैड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ माई लेफ्ट हैंड, बिकॉज यू कैन सी दैट माई रेंज ऑफ मूवमेंट्स वो रिड्यूस टू 20, फ्रॉम 27 आई गॉट डाउन टू 20। सो दिस मीन दैट आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिडेक्स्ट्रस, विच मीन्स दैट आई एम केपेबल ऑफ वर्किंग इक्वली वेल विद माई ओन बोथ हैंड्स। और रोबोटिक के अंदर ये आपको ये स्किल डेवलप करनी जो इंटायरली जरूरी है कि आप आए आप जो है ना वो आपके दोनों हाथ इक्वली काम करते हैं। तो इसी तरह ये आपकी राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स को यूज करते रहते हो, और इसी तरह आपकी ये अप एंड डाउन मूवमेंट्स को भी। तो राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स अगर आप 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा जा रहे हैं तो अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं अभी तक उसको 20 से ज़्यादा नहीं देख रहा ला सकता। और अगर अप एंड डाउन मूवमेंट्स को आपको 25 सेंटीमीटर्स पर रखना है, मैं इसको भी 30 सेंटीमीटर से नीचे नहीं देकर आ सका। सो आई वुड बी नीडिंग मोर ट्रेनिंग, मोर स्किल डेवलपमेंट, मोर रोबोटिक सर्जरीज, सो दैट आई कैन एक्चुअली कम अप विद अ बेटर डेटा नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज माई होल लर्निंग कर्व फॉर द लास्ट 10 मंथ्स जो हम करते रहे, एंड यू कैन सी दैट आई हैव बीन एबल टू कट डाउन द ऑपरेटिव सर्जरी टाइम्स। मैं आहिस्ता आहिस्ता की बड़ी बड़ी जहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंटेक्टिंग की, जहाँ पर एडेंटिंग की, यहाँ पर हमें लेकिन एक्चुअल जो एवरेज टाइम है हम उसको किसी न किसी तरीके से नीचे लाते चले जा रहे हैं। एंड यू कैन सी दिस कर्व जो हम मेजर अपने ऑपरेशन करते हैं, यू कैन सी दैट वेंट्रल हर्निया कर्व्स हैव बीन ब्रॉट डाउन, वाइल हर्निया कर्व हैव बीन ब्रॉट डाउन। लेकिन वाइल हर्निया में भी हम जो हम करते हैं हम 80 मिनट के अंदर करते हैं, जो वेंट्रल हर्निया है उसको कुछ टेक्निक डिफरेंट होती है, तो उसमें हम करते हैं। लेकिन पॉलिसी टेक्निक में वी हैव ब्रॉट इट डाउन बिटवीन 20 and 40 minutes, सो इट्स अ गुड वे, बट वी वॉन्ट इट टू बी बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग। सो द आई मस्ट टेल यू एवरीबॉडी इज सिटिंग देयर, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट द फ्यूचर इज देयर। अब हमें करना क्या है इसमें, एक तो यह है कि हमें जो है ना रोबोटिक सर्जरी का रजिस्टर क्रिएट करना, बिकॉज रोबोट आपके लिए इफेक्टिव तभी है जब हमारा 24 घंटे चलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 12 बजे स्टार्ट करके हमारी एक टीम 12 बजे आ जाती है, दूसरी टीम 3 बजे आती है, तीसरी टीम 6 बजे आती है, चौथी टीम 9 बजे आती है, तो सब दिन रात 2 बजे तक हम रोबोटिक सर्जरी करें। लेकिन हम चाह रहे हैं उसको एडवर्टाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन रहे जो रात का टाइम है, बिकॉज दैट इज हाउ द रोबोट इज बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव, कि जितनी ज़्यादा सर्जरीज हो रही होती हैं उतनी ज़्यादा जो है ना आपकी कॉस्टिंग उसकी बेहतर होती चली जाती है। एंड वी वॉन्ट टू हैव क्योंकि अभी रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई लेजिस्लेटिव फॉर्मेट्स नहीं है, वो हम उसको बिल्डअप कर रहे हैं, एंड वी वॉन्टेड टू प्रेजेंट दिस टू सर्जन, हम आपको देंगे ताकि आप उसको अगर इन्वेस्ट कर सकें तो देर मुझे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिल जाए। और फेलोशिप प्रोग्राम जो है ना वो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया सी पी एस टी में, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक 2 सेंटर्स नहीं होंगे सी पी एस टी एक सेंटर के ऊपर कोई अपनी फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कराती। सो वी नीड टू हैव एटलीस्ट 1 or 2 more centers। टी के लाइन रिसेंटली रोबोट किया है, मिल जाए यू गो देयर टू हेल्प देम आउट, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनके वर्कशॉप साथ साथ करा सके। यू रियली वांट दैट दे शुड बी अदर सेंटर, ओनली देन वी विल बी एबल टू ट्रेन मोर एंड मोर सर्जन्स। एंड एक्चुअली आई रियली वांट टू थैंक ऑल दोस पीपल, जिसमें आप प्रोफेसर शायदा का जाकर तस्वीर देख रहे हैं, गाइनियो सर्जरी की माई एडमिनिस्ट्रेटर मैडम की जो बेचिंग है, शी इज यूट्यूब आफ्टर मीडिया कैंपेन, एंड रिजवान सर प्रोफेसर आफ्ताब भी, हम सब सब दिस अ ह्यूज टीम एफर्ट विच गोज ऑन, एंड आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल टू माई ओन टीम, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं माई कोलीग्स प्रोफेसर वारिस, प्रोफेसर वसीम, बिलाल, उमर, उस्मान, देर ऑल सिटिंग देयर, एंड बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट व्हेन दे आर ऑन माई राइट एंड लेफ्ट आई एम द मोस्ट पावरफुल सर्जन ऑन दिस एरिना।
because they are a wonderful team. ये मुझे इतना help out करते हैं. And sometimes when they think that I'm tired and I might commit a mistake, ये चुपके से हैं मुझे हटाते हैं कि नहीं सर अब जाके कप चाय कभी है. So that's a great asset. They look after me. ये मेरे ऊपर सर watch कर देते हैं कि मैं कोई गलती ना करूँ. Because very important for me that we cannot commit a mistake. We cannot let any mishap happen in robotic surgery because this will lead this to distribute. So I'm very thankful to my team, and without my team, I'm sure that I'm nothing. So thank you very much. Thank you very much.